चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं 14.2.2 पार्ट 2। बट मच मोर सीरियस डॉट 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 कुड नॉट बी अ क्लींजिंग विदाउट अ कॉन्फेशन। अभी अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं तो आप इसके आगे 14.2.1 पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, और अगर आप ये वीडियो को डायरेक्टली चालू किए हैं तो आप एक काम करिए, वीडियो पॉज कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से आपको हमारा सब्जेक्ट वाइज चैप्टर लिस्ट मिलेगा, ठीक है। चैप्टर को वीडियो 1 से देखिए, तब आपको पूरा चीज क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। When Gandhiji's elder brother fell into debt, he took a bit of gold from his brother's armlet to help the brother repay his debt. जब गांधी जी का जो बड़ा भाई है वह कुछ उधार में पड़ गया तो वह क्या किया, अपने भाई के आमलेट से थोड़ा सा सोना चुराया और अपने भाई का जो उधार है उसको पूरा किए। Later, he felt guilty of his act of stealing. बाद में वह यह जो चोरी किए थे इससे उनको बहुत ही दुख पहुंचा, उन्हें बहुत खराब लगा। He repented for his action as he knew that he had done something wrong. अब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इसलिए उन्हें अपना इस काम के लिए पछतावा होने लगा। He decided that he would never steal again. वह यह निर्णय लिए कि वह अब कभी भी चोरी नहीं करेंगे। He felt very disturbed and wanted to confess to his father, but could not get himself to face him. वह बहुत ज़्यादा disturbed हो गए और अपने पिताजी को वह सारा बात बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वह अपने पिताजी का सामना कर सके। He also knew that his father would be very pained to know what he had done. उन्हें यह भी पता है कि उनके पिताजी को बहुत ही बुरा लगेगा यह जानकर कि उन्होंने क्या किया है। गांधी जी did not want to hurt his father, but he could not bear to live with the guilt. गांधी जी अपने पिताजी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वह जो गलती किए थे, उन्हें जो पछतावा हो रहा था, उसके साथ वह नहीं जी पा रहे थे। So he decided to confess to his brother. माफ कीजिएगा, यहां ब्रदर नहीं होगा, यहां फादर होगा। तो वह इस बात का निर्णय लिए कि अपने पापा के सामने कन्फेशन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इट रिक्वायर्स करेज टू एडमिट वंस मिस्टेक एंड टू स्पीक द ट्रुथ। बहुत ही हिम्मत लगता है जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को माने और सच बोले। डोंट यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? गांधी जी गॉट द करेज टू कॉन्फेस बिकॉज ही न्यू ही वॉज डूइंग द राइट थिंग। गांधी जी में हिम्मत था कि वह अपने कन्फेशन कर सके, वह अपनी गलती को मान सके, क्योंकि उन्हें यह पता था कि वह सही कर रहे हैं। Had you been in Gandhiji's situation, what would you have done? अगर आप गांधी जी के जगह होते तो आप क्या करते? अब चलिए इस पार्ट का हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 14.2। How much was Gandhi's brother's debt? गांधी जी का जो भाई है उसका कितना उधार था? Gandhi's brother had a debt of about 25 rupees. गांधी जी का जो भाई था उसका लगभग 25 रुपया उधार था। Why did गांधी जी टेक आउट अ बिट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द आमलेट? वह जो आमलेट है उससे गांधी जी थोड़ा सा सोना क्यों ले लेते हैं? आमलेट क्या होता है? बाजूबंद। गांधी जी स्टोल द बिट ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर आमलेट टू यूज इट टू क्लियर हिज ब्रदर्स डेट। गांधी जी अपने भाई के बाजूबंद से थोड़ा सा सोना इसलिए चुराते हैं ताकि वह अपने भाई का उधार चुका सके। व्हाट डू यू थिंक गांधी जी डिड विद द बिट ऑफ गोल्ड? आपको क्या लगता है गांधी जी उस सोने के टुकड़े के साथ क्या किए होंगे? गांधी जी सोल्ड द बिट ऑफ गोल्ड, ही देन यूज द मनी ही गॉट बाय सेलिंग द गोल्ड टू क्लियर हिज ब्रदर्स डेट। गांधी जी वह सोने के टुकड़े को बेच देते हैं, उसके बाद वह जो पैसा उनको मिलता है उससे वह अपने भाई का उधार चुकाते हैं। Why did Gandhi ji decided to confess to his father? गांधी जी यह निर्णय क्यों लेते हैं कि
कि वह अपने पिता के सामने कॉन्फेशन करेंगे। ठीक है। आफ्टर स्टीलिंग द गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स आमलेट, गांधी जी वॉज डिस्टर्ब एंड अनहैप्पी। जब गांधी जी अपने भाई के बाजूबंद से सोना चुराते हैं तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड समथिंग रॉन्ग। उन्हें यह महसूस होता है कि वह कुछ गलत किए हैं। ही फेल्ट रियलाइजेशन वॉज नॉट इनफ। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें यह जो रियलाइज हुआ है वह बहुत नहीं है। ही देन फेल्ट दैट अ रियल एंड कंप्लीट क्लींजिंग वॉज पॉसिबल ओनली इफ ही कॉन्फेस टू हिज फादर। उन्हें फिर यह लगता है कि वह पूरी तरह से तभी शांत हो पाएंगे, उनका मन तभी खुश हो पाएगा जब वह अपने पिता के सामने कन्फेशन करेंगे, वह कबूल करेंगे उन्होंने जो जो काम किया है। हैव यू एवर डन समथिंग रॉन्ग टू हेल्प समवन क्लोज टू यू। क्या आपके कभी किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार के लिए आप कुछ गलत किए हैं? हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड। उसके बाद आपको कैसा एहसास हुआ? राइट अबाउट इन अप्रोक्सीमेटली 100 words, 100 शब्दों में आपको यह चीज लिखना है। अब देखिए, ये जो आंसर है मैं आपको यहाँ पे एक आंसर दे रहा हूँ, आप चाहें तो अपना कोई भी अनुभव, कोई भी एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। वंस आई टोल्ड लाइज टू हेल्प माई फ्रेंड्स। एक बार अपने दोस्त को मदद करने के लिए मैंने झूठ बोला। आई वॉज इन 6th class, मैं 6th class में था। My teacher organized a picnic and asked all the students to contribute ₹50 each. मेरे जो टीचर है वह एक पिकनिक करने वाले रहते हैं और वह कहते हैं कि सब कोई ₹50 करके लेके आएगा। The next day we all accept. Amit brought the said amount and gave it to the teacher. अगले दिन हम लोग सबको इस टीचर को पैसा दिए, लेकिन अमित नहीं दिया। अमित was from a poor family and they cannot afford to pay ₹50 for the picnic. अमित एक गरीब परिवार से रहता है और उसका परिवार पिकनिक के लिए ₹50 नहीं दे पाता है। सो आई थॉट अ प्लान। तो हम एक प्लान बनाए। आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम। मैंने यह निर्णय लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल दैट डे आई टोल्ड माई मदर दैट द टीचर हैड आस्क्ड फॉर ₹50 more फॉर द पिकनिक। घर आने के बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा कि टीचर पिकनिक के लिए ₹50 और मांगी है। She readily accepted it and gave the money. मेरी मम्मी मान जाती है और मुझे वह पैसा दे देती है। The next day I gave the money to Amit and he contributed the money for the picnic. अगले दिन अमित को मैं वह पैसा दे देता हूँ और वह पिकनिक के लिए पैसा दे देता है। I told lies to my mother. मैंने अपनी माँ से झूठ कहा। I felt bad about it but never told her the truth. बाद में मुझे इसको लेकर खराब महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपनी माँ को सच कभी नहीं बताया। तो देखिए, ऐसा कोई भी आंसर हो सकता है जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 14.2.3 part 3। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट .. बियॉन्ड मेजर। दिस पार्ट ऑफ द लेसन इज अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी कॉन्फेस्ड हिज डीड टू हिज फादर। अब ये जो सेक्शन है, यह जो भाग है, यह हम लोग को यह बताता है कि गांधी जी जब अपने पिता के सामने अपनी गलतियों को कबूल करते हैं तो क्या होता है। इन अ लेटर टू हिज फादर गांधी जी एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन एंड आस्क्ड फॉर अ सूटेबल पनिशमेंट फॉर हिज रॉन्ग डूइंग। एक पत्र में जो कि गांधी जी अपने पिता को लिखते हैं, उसमें वह यह चीज स्वीकारते हैं कि वह चोरी किए हैं और वह कहते हैं कि आप मुझे इसके लिए दंड दें। He also requested his father not to punish himself for the act and promised that he would never steal again. वह इस बात का भी अपने पापा से request करते हैं कि वह खुद को कोई चोट ना पहुंचाए, उन खुद को दोष ना दें, और यह भी वादा करते हैं कि वह फिर कभी अब चोरी नहीं करेंगे। When Gandhi's father read the letter, he did not scold his young son because he knew He was absolutely honest and sincere in his confession. जब गांधी जी उस पत्र को पढ़ते हैं तो वह अपने बेटे को डांटते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनका बेटा सच बोल रहा है और वह अपनी गलतियों को कबूल कर रहा है। गांधीज फादर बिगेन टू क्राई। गांधी जी के पिताजी रोने लगते हैं। दीज वर नॉट जस्ट टीयर्स ऑफ पेन बट ऑल्सो लव एंड फॉरगिवनेस। यह जो आंसू है, यह सिर्फ दर्द के नहीं होते हैं,
इसमें प्यार और माफी दोनों रहता है। After reading the letter, he was sure that the mistake would never be repeated. पत्र पढ़ने के बाद उनके पिताजी को यह यकीन होता है कि यह गलती गांधी जी वापस नहीं दोहराएंगे। गांधी जी टू स्टार्टेड टू क्राई। गांधी जी भी रोने लगते हैं। ही लर्न द फर्स्ट लेसन ऑन अहिंसा दैट डे। उस दिन अहिंसा पर वह पहला पाठ पढ़ते हैं, सीखते हैं। विदाउट एनी फिजिकल वायलेंस और एनी एंग्री वर्ड्स द मैटर वॉज टेकन केयर ऑफ। बिना शारीरिक चोट पहुंचाए, बिना किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल किए हुए उस स्थिति को संभाल लिया गया। गांधी जी अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ अहिंसा फ्रॉम हिज फादर्स पीसफुल रिएक्शन टू हिज कन्फेशन ऑफ अ रॉन्ग डी। गांधी जी यह चीज समझते हैं कि अहिंसा का मतलब क्या होता है, क्योंकि उनके पिताजी शांति भावना से उनके कन्फेशन को कबूल करते हैं और कि वह गलत किए थे और उनको माफ कर देते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 14.3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग आंसर करेंगे। हाउ डिड गांधीज फादर रिएक्ट ऑन रीडिंग हिज लेटर ऑफ कन्फेशन। गांधी जी जो अपनी गलतियों को कबूल करते हैं उसके लिए वो अपने पिता को एक पत्र लिखते हैं, तो उनके पिताजी जब वो पत्र पढ़ते हैं तो उनका प्रतिक्रिया कैसा होता है। गांधीज फादर वॉज ओवरवेल्ड आफ्टर रीडिंग द लेटर। गांधी जी के जो पिताजी हैं वह पत्र पढ़ने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। हिज टीयर्स ट्रिकल डाउन हिज चीक्स वेटिंग द पेपर। उनके आंख से आंसू गिरने लगता है और जो पत्र रहता है, जो नोट रहता है वह भीग जाता है। ही क्लोज्ड हिज आईज इन अ थॉट एंड टोर द लेटर ऑफ कन्फेशन। वह अपनी आंखों को बंद करते हैं और वह जो कन्फेशन करने वाले का लेटर है उसको फाड़ देते हैं। टोर करना मतलब फाड़ना। टीयर का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है टोर। ठीक है। हु थॉट गांधीज द लेसन ऑफ अहिंसा। गांधी जी को अहिंसा का पाठ कौन पढ़ाते हैं। हिज फादर। आप ऐसे लिख सकते हैं गांधी जी फादर टॉट हिम द लेसन ऑन अहिंसा। अहिंसा इन द स्टोरी मीन्स, ये जो कहानी है उसमें अहिंसा का मतलब क्या है। अहिंसा हेयर रेफर्स टू अवॉइड कॉजिंग पेन, बींग वायलेंट एंड टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन अ पीसफुल एंड लविंग मैनर। इस पाठ में अहिंसा का मतलब क्या होता है, या इसका मतलब होता है कि आप किसी को बिना चोट पहुंचाए, बिना किसी के संग गलत व्यवहार किए हुए भी आप चीजों को शांति से और प्यार से संभाल सकते हैं। What according to Gandhi ji is the purest type of repentance? Gandhi ji के अनुसार पछतावा करने का सबसे सही तरीका और सबसे साफ तरीका क्या है। According to Gandhi ji, a clean confession with a request for an adequate punishment for himself and a promise never to commit the wrong again in the purest type of repentance. Gandhi ji को लगता है कि एक clean confession वो होता है जिसमें आप जो गलती करते हैं उसको आप मानते हैं, आप उसके लिए दंड भी मांगते हैं और साथ साथ आप यह भी कहते हैं कि आप अपनी गलती को नहीं दोहराएंगे।